अध्यापक जी, नमस्कार, मैं सरोजिनी फड़के और ये मेरा बेटा उज्जवल, इसे आपकी पाठशाला में दाखिला दिलाने लाई हूँ। हो जाएगा, लगता है आप शिरडी में नहीं आई हैं। जी, उज्जवल के बाबा का यहाँ तबादला हुआ है, वो सरकारी वकील है। क्या नाम है वकील साहब का? श्री वल्लभ फड़के। फड़के साहब जी, उनके बारे में तो मैंने काफी सुना है, बहुत बड़े वकील हैं और विद्वान भी, अखबारों में उनका नाम छपता रहता है। हम आज ही शिरडी आए और अब कुछ साल यहीं रहना है, तो सोचा कि उज्जवल का दाखिला आपकी पाठशाला में करवा दूं। अच्छा किया आपने, पाठशाला में उज्जवल नए बच्चों से मिलेगा तो नई जगह को जल्दी अपना पाएगा। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा अध्यापक हूं। आप परेशान मत होइए, बच्चा है, घबरा गया है, नई जगह है, अभी तो मैं भी इसके लिए अपरिचित हूं। पहले दिन अक्सर ऐसा होता है। उज्जवल, तुम मुझे कुछ अपने बारे में नहीं बताओगे? इससे पहले तुम कहां पढ़ते थे, कौन सा विषय तुम्हें पसंद है, कौन सा तुम्हें विषय पसंद नहीं है, बोलो उज्जवल, किस पाठशाला में थे तुम? उज्जवल बेटा, डरो मत, जवाब दो। कोई बात नहीं, जब मन करे तब जवाब दे देना। अभी तुम अंदर जाओ और जाकर कक्षा में बैठो। प्रणाम साईं। साई, प्रणाम साई। राम जी भला करें। मैं आप ही के पास आ रहा था साई। काम निपटा कर भी तो आ सकते थे श्यामा। आपके नाम की चिट्ठी आई थी साई, सोचा पहले आपको दे दूं फिर काम पर चला जाऊं। किसने लिखी है? दादा साहेब खापड़े जी। दादा साहब खापड़े? अरे वो तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। इतने बड़े व्यक्ति ने इस फकीर को चिट्ठी भेजी, जरूर कोई बात है पिताजी। बड़े दिनों बाद याद किया दादा साहब ने, जरा पढ़ के सुनाओ तो क्या लिखा है। जी साहब, लिखते हैं उनके एक स्नेही है जो बहुत बड़ी हस्ती है, पेशे से सरकारी वकील है, कुछ ही दिन पहले उनका तबादला हुआ है शिरडी में। और आगे लिखा है, उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी साई बाबा, जैसे ही वो शिरडी आएंगे मैं खुद उन्हें आपसे मिलवाने लेकर आऊंगा।
नहीं श्यामा। नहीं का क्या मतलब साई? दादा साहब सारी दुनिया को अपनी नजरों से देखते हैं, सभी को अपने जैसा समझते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं साई। ये जरूरी तो नहीं श्यामा कि दादा साहब मेरे बारे में जैसा सोचते हैं हर कोई वैसा ही सोचे। इसलिए कह रहा हूं उन्हें मुझसे मिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। राम जी जैसा चाहेंगे जब चाहेंगे मुलाकात हो जाएगी। मुझे अब पाठशाला जाना है श्यामा। पाठशाला साई इस समय अचानक? कुछ काम है क्या? संता जी सुना आपने एक सरकारी वकील आया शिरडी में? खबर बड़ी है। और हर बड़ी खबर सरकार तक कौन पहुंचाता है पंता जी? हम चलिए। उज्जवल बेटा तुम पाठशाला नहीं जाओगे तो पढ़ लिख कर होशियार कैसे बनोगे? और यहाँ तो तुम्हें नए दोस्त भी मिलेंगे। तुम पढ़ोगे खेलोगे नहीं तो अपने बाबा के राजा बेटा कैसे बनोगे? निश्चित ही फकीर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इतने बड़े वकील को मिलने का अवसर गवा रहा है, किंतु मैं इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दूंगा और उस वकील को भी। हरिओम। तभी तो सरकार, हम दोनों को जैसे ही खबर मिली हम दोनों दौड़ते दौड़ते आपके पास आ गए। जरा सोचिए सरकार, अगर इतना बड़ा वकील आपकी मुट्ठी में आ गया तब तो सरकार भविष्य में उस फकीर को परास्त करना आपके लिए आसान होगा। हाँ सरकार। शाबाश, अब मेरे संगत का प्रभाव दिखने लगा है तुम लोगों पर। प्रणाम सरकार। क्या है जी? मैं यहाँ के नए सरकारी वकील वल्लभ फड़के जी के यहाँ से आया हूँ। अरे तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ आओ। फड़के जी शिरडी आ गए? जी आज ही आए हैं और उन्होंने ही मुझे भेजा है। आज शाम को उन्होंने शिरडी के प्रतिष्ठित लोगों के लिए दावत रखी है। आपको उसी का न्योता देने आया हूँ। अहो भाग्य, वकील साहब से कहना मैं भोज में अवश्य आऊंगा। चलता हूँ।
देखा, शिरडी के मूर्ख गांव वाले भले ही उस पाखंडी के आगे पीछे करते हो, किंतु इस गांव के बाहर आज भी मेरी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इस गांव में बाहर से जो भी आता है वो सबसे पहले मुझे पूछता है, मेरा ही मार्गदर्शन चाहता है। सही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और हो भी क्यों ना, पहले कई बार वो फकीर दादा साहेब खापरड़े और सांदोरकर जैसे लोगों को मुट्ठी में करने में सफल हो गया था, किंतु अब बाजी मेरे हाथ में है। अरियो, बधाई हो सरकार, बधाई हो। ये तो वो वाली बात हो गई, अंधा मांगे एक हाथ और ईश्वर दे दो दो आंखें। सही कह रहे मंत्री। अरियो, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मुझे उस फकीर से सात घर आगे की चाल सोचनी होगी। मुझे विश्वास है वो पाखंड कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करेगा जिससे वो वकील उसके छासे में आए। इससे पहले वो फकीर अपना काला जादू चलाए, मुझे उस वकील को अपने वश में करना होगा। अरियो, उज्जवल को देख के आपने भाप ही लिया होगा, पर फिर भी बताना मेरा फर्ज है। मेरा बेटा बिल्कुल साधारण है, वो ना तो पढ़ाई में आगे है ना ही खेल कूद में। सोचा था कि बड़ा होगा तो शायद बेहतर हो जाएगा, पर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही है। आसान से सवालों का भी उत्तर नहीं दे पाता, दिन भर याद कराओ और अगर शाम को पूछो तो कुछ याद नहीं रहता उसे। आप मेरे बेटे को होशियार बना दीजिए, अब जो भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं दे दूंगी। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उज्जवल पढ़ाई लिखाई में बेहतर हो जाएगा। बेहतर नहीं अध्यापक जी, आपको मेरे बेटे को होशियार बनाना ही होगा। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। श्रीकांत जरा यहाँ आइए। जी साईं, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई साईं? आप इस पेड़ का ख्याल नहीं रखते हो ना, इसे खाद और पानी नहीं देते हो ना, आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो गए? नहीं साईं, मैं तो इसका अच्छे से ख्याल रखता हूं, रोज पानी देता हूँ और हफ्ते में एक बार मिट्टी हल्की करके खाद भी देता हूँ। अगर ऐसा है श्रीकांत, तो ये अब तक इतना सा क्यों है? इस पेड़ जितना बड़ा और लंबा क्यों नहीं बना अब तक? साईं, लेकिन ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, दोनों एक ही जमीन में उगे हैं, एक ही कुएं का पानी जाता है दोनों की जड़ों तक, एक ही किस्म की खाद पड़ती है, फिर समस्या क्या है? साईं, प्रकृति ने हर पौधे की लंबाई तय की है, उसके गुण तय किए हैं। हर पेड़ पौधे की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक मर्यादा होती है। कुछ बड़े होकर छांव देते हैं और कुछ छोटे रहकर सुंदर फूल, दोनों की अपनी अहमियत है।
फिर तो यही सिद्धांत इंसानों पर भी लागू होने चाहिए, क्योंकि वो भी तो इसी प्रकृति का एक अभिन्न हिस्सा है कि नहीं? श्रीकांत, बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जितना जिसका हुनर, जितनी जिसकी काबिलियत, वो उतना ही पढ़ेगा। याद रखना श्रीकांत, जबरदस्ती की खाद पेड़ को बढ़ाती नहीं है बल्कि नुकसान पहुंचाती है। वो कौन थे? वो साईं, हम शिरडी वासियों के गुरु। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हमारे बारे में ही कहा, जबकि ना तो वो मुझे ना मेरी जिंदगी के बारे में जानते हैं। फिर कैसे? साईं सब जानते हैं, सबको पहचानते हैं, और जो साईं को समझ गया उसका उद्धार निश्चित है। आज हम गणित सीखेंगे। बच्चों मान लो मेरे पास 10 पैसे हैं, मेरे पास 10 पैसे हैं, इसमें से 3 पैसे फलों के लिए दिए और 2 पैसे सब्जियों के लिए दिए। तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? पांच पैसे। बेला तुम बताओ। 5 पैसे। शाबाश, बैठ जाओ। अब थोड़ा कठिन सवाल। कौन बताएगा इसका जवाब? 33। उज्जवल, क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? बताओ उज्जवल, क्या तुम इस सवाल का जवाब जानते हो? कोशिश करो जो। जोर से बोलो जो, मैंने सुना नहीं। बोलो ना, मुंह में दही जमा लिया क्या? शांत हो जाओ तुम सब। उज्जवल बैठ जाओ। उज्जवल,
उज्जवल रुक जाओ, उज्जवल 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 साईं, आपने ठीक कहा था, हर बच्चे को उसकी क्षमता के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। जिसका जितना हुनर, जिसकी जितनी काबिलियत, वो उतना ही पढ़ेगा। अरे ये बच्चा थोड़ा अलग है, क्या करूं मैं इसका। आज बड़ा प्यार आ रहा है वहां पर, जो खुद आ गए भाकरी खाने। एक माँ ही है जो अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती, सारी दुनिया भरोसा करना छोड़ दे, लेकिन एक माँ ही है जो अपने बच्चे पर भरोसा करना, उससे उम्मीद रखना नहीं छोड़ती। इसलिए माँ पर प्यार आना तो स्वाभाविक है ना। माँ की एक खासियत और भी है, अपने बच्चे के मन की हर बात वो भांप लेती है। मैं जानती हूँ साईं, कोई है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिसका उद्धार करना है तुम्हें, इसलिए तुम यहाँ आए हो। घर का रास्ता किधर से है? बेटा लगता है रास्ता भटक गए हो तुम, बताओ कहाँ जाना है। अच्छा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? घुमाना बंद करो ना माँ। भाकरी नहीं घुमाऊंगी तो जल जाएगी। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है बाईजा माँ, ठहरनी नहीं चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए, उसका आगे बढ़ते रहना जरूरी है, एक बहते दरिया की तरह। जहां जिंदगी एक जगह रुकी तो हालात की आग में जलकर खाक हो जाती है। साईं, ये किसकी जिंदगी की तरफ इशारा कर रहे हो तुम? वल्लभ फड़के जी का नाम सुना है आपने? हाँ आज ही सुना है, वकील है ना जो शिरडी में नए आए हैं, उन्होंने आज शाम को मुझे और इन्हें अपने घर आने का न्योता दिया है। ये जाएंगे, मैं नहीं। यही बताने तो आया हूं, आपको भी वहां जाना है, आपका वहां जाना बहुत जरूरी है भाईसाहब। समझ लो एक भाकरी है जिसे जलने से बचाना है। मुझे जाना होगा। लेकिन एक और भाकरी तो खा लो। नहीं भाईसा मां, किसी और को मेरी जरूरत है।
आपके शिरडी में आने से गांव की शोभा बढ़ गई। जैसे ही मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं, मैं खुद चला आया आपके स्वागत के लिए। अब आप जैसे व्यक्ति की संगत तो नसीब से ही मिलती है ना, क्या बलाल जी? जी हाँ साहब, आपके ही पास आ रहा था ये चिट्ठी, आपके लिए आई। कब से हो इस नौकरी में? लगभग 5 साल हो गए साहब। 5 साल में जिस इंसान को अपने कपड़े ढंग से पहनने नहीं आए, ढंग से सरकारी काम कैसे करेगा? माफ कीजिएगा साहब, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोबारा हुई तो तुम्हारी नौकरी ही नहीं रहेगी। नफरत है मुझे नाकाबिलियत से। मेरी संगति में जितने भी लोग हैं, उनमें भी कोई त्रुटि या कमी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी साहब। रास्ता भटक गए हो, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता updates. Subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.